क्या ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी को फोन करें तो वो आपका फोन जो उस जगह पर ना जाने के अलावा दूसरे फोन में जो है चला जाए, या तो फिर क्या ऐसा हो सकता है एक छोटे से एक आपके पास एक जो स्मार्टफोन है उसमें एक जो बगल में एक जो छोटा सा बदला हो जिसमें आपको जो सारे सोच कर जो देखने को मिले। नहीं ना, लेकिन नहीं भाई, यह हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको जो इस वीडियो में इसकी सारी में जो आपको कुछ पाँच जो ट्रिक्स जो है बताने वाला हूँ जो आपके लिए जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको जो है वो पांच ट्रिक्स में से कोई भी आप जो एक या फिर दो ट्रिक्स कर आप स्किप करोगे तो वो पता नहीं चलेगी। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है लक्की और आप देख रहे हैं लक्की विषा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाइए, जाके फॉलो कर दीजिए, वहाँ भी वैसे टैक्स लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जब अगर किसी को अगर कॉल करना है तो उसका जो हमें अगर हमारे फ़ोन में जो उसका सेव नंबर है तो क्या करते हैं कि उसको जो हमें डायल पैड में जाके उसका जो है ना वहाँ पर उसका नाम जो है सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको मैं उसके भी ज़्यादा अगर जो है वो फास्टर से अगर कोई वे बताऊँगा तो आप अपने डायल पैड में जैसे ही जाओगे तो आपको वहाँ जब सभी जो है नंबर्स के नीचे उसका जो अल्फ़ाबेट दिया गया होता है यानी आप जैसे उसको अगर सर्च करना है तो आप क्या कर सकते हो कि उसको जो वहाँ से उसको जो आपके जे आपको देख सकते हो कि एक के नंबर के नीचे आपको जैसे कि हम कहीं ये बिजली बिल लिखी होती है जैसे कि हमारे छोटे से वाले फ़ोन में जो पहले कीपैड फ़ोन आते हैं उसमें जो लिखे गए थे आप वहाँ से भी उसको जो है सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी जो है वो सर्च नंबर वाले ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारी अगली जो ट्रिक है वो जो है व्हाट्सएप से रिलेटेड होने वाली है। तो मैं व्हाट्सएप में आपको कोई कूल ऐसी जो है दो ट्रिक्स जो है बताने वाला हूँ और स्टेटस के बारे में दो ट्रिक्स जो है बताने वाला हूँ। आपको पता है कि हम अगर कोई स्टेटस देख रहे हो तो इसको हमें क्या करना होता है कि अगर उसको जो है 30 सेकंड में या फिर 15 सेकंड में जो है ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर उसको हमें जो देखते ही रहना होता है तो हमें क्या करना है उसके ऊपर उसको फ़ोन पर हमें जो क्लिक करना होता है उसके बाद ही हमारा स्टेटस जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे आलसी भी होते हैं वो टैप करना भी उसको जो टैप करने में उसको जो आलस चढ़ता है। तो इन लोगों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ अपने फ़ोन पर जो है 3 फिंगर को जो है वो डाल देना है। जैसे ही तो 3 फिंगर पर टच करोगे तो आपका स्टेटस जो है वो वहीं पर जो है रुक जाएगा, वो फिर चाहे फोटो हो या वीडियो वहीं पर जो है वो रुक जाएगी। उसके बाद जो अगला हमारा जो है ट्रिक है वो भी व्हाट्सएप से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको क्या आपने कहीं से जो स्टेटस अपलोड करते हो जो आपको दोस्त को जो काफ़ी जो है पसंद आते हैं तो वो क्या कहते हैं, यार मुझे भी ये स्टेटस भेजना, मैं भी अपने जो मैं ऐसा जो स्टेटस चलाना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा जो वीडियो जो अपने स्टेटस में लगवाना चाहता हूँ, तो वो क्या करते हैं वो हमारे पास रहता जो है स्टेटस जो है वो सेंड करने को बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी गैलरी में जाना पड़ता है, उसके बाद वो वीडियोज़ को जो या फिर उस फोटोज़ को जो है सर्च करना पड़ता है, वहाँ से उसको ढूंढ कर जो है सेंड करने पड़ते हैं, जिसके कारण क्या होगा हमारा जो काफ़ी टाइम जो है वो बिगड़ता है। इसके अलावा मैं आपको कहूँ कि आपको अपने व्हाट्सएप में से उसको जो स्टेटस को शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने स्टेटस पर जो क्लिक कर देना, उसके बाद आप वहाँ से उसको जो टैप करके उसको सिलेक्ट करके वहाँ से उसको जो है शेयर कर सकते हो। उसके बाद हम कई ऐसी हैवी हैवी जो ऐप यूज़ करते हैं जैसे कि क्रोम, लेकिन क्रोम को आपको नहीं पता होगा, क्रोम में जो है वो ऐसा लाइट मोड भी आता है जिसको आप अगर इनेबल कर दोगे तो आपका जो 60% जो है वो डेटा जो है कम यूज़ होगा। ऐसा खुद जो क्रोम वालों ने कहा कि अगर इसका आपको इनेबल करते हो लाइट मोड को तो इसको आपका जो है आपका 60% जो है डेटा है वो कम यूज़ होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रोम को ऑफ करने के बाद आपको 3 डॉट पर जो है वो अब जैसे ही यहाँ पर जो है 3 डॉट पर जाओगे, आपको यहाँ 3 डॉट पर जो है जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे चले जाने के बाद आपको यहाँ जो लाइट मोड जो है दिख जाएगा, इसको आपको जो इनेबल कर देना है। एक अगर आप एक साथ जो दो फोन यूज़ करते हो लेकिन आपको जो क्या करना, आपको कहीं जो इमीजिएटली जो बाहर जाना पड़ रहा है लेकिन आपका पास कोई आप एक ही फ़ोन जो ले जा सकते हो, बाहर जो है बारिश हो सकती है, लेकिन क्या करते हो कि आपको जो मेन फ़ोन है वो उसमें जो आपने सिम डाला हुआ है जो आपके जो सभी दोस्तों के पास आपने सभी लोगों को जो यही कॉन्टेक्ट दिया है लेकिन वो आप जो फ़ोन बाहर नहीं ले जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको जो कॉल को जो है फॉरवर्ड कर देना है, जिसके कारण क्या होगा कि वो जो फ़ोन में आपको जो घर पर छोड़ा है अगर उसकी जब कॉल फॉरवर्डिंग अपने जो फ़ोन ले जा रहे हैं उसमें कर दोगे तो क्या होगा कि वो फ़ोन आपका जो भी आपको जो कॉल करेगा वो उस फ़ोन में कॉल ना जाते हुए आपको जो जिस आपको पास जो फ़ोन है उस पर जो कॉल जाएगा। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इस फ़ोन की जो कॉल फॉरवर्डिंग जो मैं इस छोटे से वाले फ़ोन में जो है करने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ जो अपने जो है कॉल में जो चले जाना, इसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट दिख रहा है उस पर आपको जाके यहाँ पर जो सेटिंग्स को खोल देना। इसके बाद आप ये देख सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग, इस पर आपको जो है चले जाना है। अब जैसे उस पर जाओगे तो आप देख सकते हो जो हमारा पहला वाला फ़ोन है उस पर जो है मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो थोड़ा जो है लोडिंग होगा।
आप जो है कोई भी फ़ोन पे आपको जो है वो इसमें कॉल फॉरवर्डिंग पर ऑप्शन पर चले जाना है। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग सेटिंग्स पर जो इनेबल होता है, तो आपको कहीं से भी इसको जो कॉल फॉरवर्डिंग को ऑप्शन जो है ऑन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑलवेज फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर इसको जो टर्न ऑन कर देना है, जिससे क्या होगा कि आप जो भी बंदा आपको जो इस फ़ोन में जो कॉल करेगा वो सीधी कॉल जो इस फ़ोन में जो है चली जाएगी। अगर क्या हो कि अगर सारी आपकी जो सेटिंग जो है आपने नीचे से ऊपर जो स्क्रॉल डाउन करके आपका जो पैनल बार होता है वो जो नीचे आपके एक ही क्लिक में आ जाए, आपको ऊपर भी टच करना भी ना पड़े, आप नीचे से जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको या थ्री फिंगर या फिर ऊपर जो पैनल में जाकर उसको क्लिक करने के बाद जो स्क्रीनशॉट भी लेना ना पड़े, या तो फिर आपको जो पावर बटन जो आपको यहाँ पर जो क्लिक करना होता है वो पावर बटन को वो भी क्लिक करना ना पड़े, आपको सिर्फ एक क्लिक से वो जो है पावर आपका ऑफ हो जाए, तो ये आप जो किस तरह से कर सकते हो, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो अगली हमारी जो ट्रिक होने वाली वो इसकी ओर जो है होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने सेटिंग्स पे ऑफ करने के बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो एसीबिलिटी है वहाँ पर चले जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉक बैक पर आपको जो चले जाना है, इसके बाद आपको इसको इनेबल करना है। जैसे इसको इनेबल करोगे आप देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि ये जो बोलना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो ये हमारे सामने ये बंदा आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर जिसको बैक करोगे अब जैसे इस बंदे पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपने सारे जो है सेटिंग जो इनेबल आपको जो शॉर्टकट यहाँ से जो है आ जाएंगे। कई फ़ोन में जो अलग अलग रीच है जो यहाँ पर जो है वो अब अपने एम आई यू आई के अलावा जो यहाँ पर अलग अलग सेटिंग जो हमें देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक्स जो आपको पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं आपको यही ट्रिक्स जो बताने आया था। अगर आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।